पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते हुए इन्फेक्शंस और पॉल्यूशंस को देखते हुए हम सभी कोशिश करते रहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी लगातार स्ट्रांग रहे। और हम ये भी जानते हैं कि घर का बना हाइजीनिक और हेल्दी फूड हमेशा ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता रहा है। लेकिन आज के समय में बढ़ते हुए वायरस, बैक्टीरिया और पॉल्यूशन को देखते हुए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि अब हम अपने खाने में कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स को शामिल करें जो कि हमें ऊपरी और बाहरी दोनों प्रकार के संक्रमणों से बचने में मदद कर सके। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही नेचुरल सप्लीमेंट के बारे में। ये है डाबर का तुलसी ड्रॉप्स। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि 5 तरह की तुलसी के अर्क यानी एक्सट्रैक्ट को मिलाकर बनाया गया है। ये इस तरह के बॉक्स पैकिंग में आता है। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। इसमें ये एक पेट बॉटल दी गई है और इसके साथ ही ये एक लीफलेट है जिसमें इसे यूज करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसकी 30 ml की बॉटल का प्राइस 195 rupees है। इसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल की होती है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके बॉक्स पर मेंशन किया गया है कि इसमें 5 प्रकार की तुलसी जैसे कि वन तुलसी, बरबरी, नींबू तुलसी, प्लेन तुलसी और कटिंजर के शुद्ध अर्क का मिश्रण है। यहाँ इसके बॉक्स पर इसे स्टोर करने के कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि इसे यूज करने के बाद कैप को टाइटली क्लोज करके इसे कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करें, लेकिन फ्रिज में स्टोर ना करें। अब इसकी डोज की बात करें तो इसके बॉक्स पर ये मेंशन किया गया है कि इसकी 5 से 10 बूंदें दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी या चाय में ली जा सकती हैं। लेकिन इसे यूज करने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि इसकी महक थोड़ी स्ट्रांग लेकिन सूदिंग है, इसलिए पहली बार में इसकी 3 से 5 बूंदों को यूज करके देखें। उसके बाद आवश्यकता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसकी डोज डिसाइड करें। आइए अब इसे ओपन करके देखते हैं, लेकिन इसे यूज करने से पहले एक बार अच्छी तरह से शेक कर लें। इसे यूज करने का मेरा बेस्ट तरीका ग्रीन टी है, इसलिए मैंने यहाँ 1 कप गर्म पानी ले लिया है। अब मैं इसमें ग्रीन टी के बैग को डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाबर तुलसी ड्रॉप्स के 3 से 5 ड्रॉप्स को ऐड कर लूंगी। इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। बस अब ये पीने के लिए तैयार है। आइए अब जान लेते हैं कि ये ड्रॉप्स किस तरह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात कि अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल हेल्थ अनलॉकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आसान भाषा में जान लेते हैं कि इन ड्रॉप्स में डाली गई 5 प्रकार की तुलसी हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है। जैसे कि इसके बॉक्स पर मेंशन किया गया है कि वन तुलसी खांसी, जुखाम, हार्ट, लिवर और जॉइंट पेन में लाभकारी होती है। बरबरी तुलसी भी खांसी, जुखाम, हार्ट, इनडाइजेशन, स्किन, जॉइंट पेन और लिवर के लिए लाभकारी होती है। नींबू तुलसी भूख बढ़ाने और इनडाइजेशन में भी काम करती है। कटिंजर तुलसी जॉइंट पेन, इनडाइजेशन और भूख बढ़ाने में मदद करती है। प्लेन तुलसी खांसी, जुखाम, हार्ट, लिवर, इनडाइजेशन, स्किन हेल्थ और जॉइंट पेन के लिए उपयोगी होती है। तुलसी की सुगंध और इसमें पाए जाने वाले एडेप्टोजेनिक गुणों के कारण ये हमारी इंद्रियों को शांत करते हुए स्ट्रेस को भी मैनेज करने में हेल्प करती है। इन ड्रॉप्स में यूज की गई 5 प्रकार की तुलसी में ऐसे अद्भुत गुण होते हैं जिनके कारण ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को हमारे शरीर में बढ़ने से रोकने के लिए कारगर साबित हो सकती है। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने गुणों से भरपूर इन 5 तरह की तुलसी के अर्क से बने हुए इन ड्रॉप्स के सेवन से हमारे स्वास्थ्य और शरीर को कितने लाभ मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप तुलसी का सेवन घनवटी यानी टेबलेट्स के रूप में भी कर सकते हैं। पतंजलि की तुलसी घनवटी का डिटेल रिव्यू मैंने किया हुआ है, आप ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इम्यूनिटी की सीरीज में मैंने पहले भी कई सारी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू किया हुआ है और आगे भी रेगुलर अपडेट करती रहूंगी। साथ ही मैं इस सीरीज में कुछ ऐसे योगासन, फूड डाइट और सात्विक लाइफस्टाइल की कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करने से इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ कई तरह के संक्रमण से भी बचाव हो सकता है। इन इम्यूनिटी बूस्टर्स के सीरीज का लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे रखा है, आप चाहें तो उसे वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि किसी भी प्रकार की औषधि का यूज अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। इसके साथ ही योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिन में कम से कम 30 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति अवश्य किया करें। अपनी मदर नेचर से जुड़ें और स्ट्रेस से दूर रहें।
और यदि आपके कोई अन्य प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।